बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हफ्सा और आप देख रहे हैं हफ्सा व्लॉग एंड रूटीन। तो व्यूअर, आज मैं आपको बैंगन का भरता बनाना सिखा रही हूँ कि हमारे घर में किस स्टाइल से बैंगन का भरता बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू स्टाइल का भरता। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बैंगन लिए थे और उसका छिलके को उतार लिया है और उसे काट लिया है और फिर पानी में भिगो दिया है। साफ पानी मैंने लिया है और पानी में उबालेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें नमक ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। नमक से क्या होता है, नमक से ये होता है कि एक तो गलने में आसानी होती है और दूसरा बैंगन काला नहीं होता। तो व्यूअर, इसे मैंने उबलने के लिए रख दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम है और बस इसे पकने देंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आज की हमारी न्यू बर्तक की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक प्यार सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बैंगन को पहले उबालने के लिए रखा हुआ था और अब ये मैंने निकाल दिया है उबलने से, क्योंकि ये उबल गए थे और ये नरम भी हो चुके थे। तो इसको मैंने फिर चन्नी में निकाल दिया, जैसे हम मैक्रोनी वगैरह को निकालते हैं। तो इसे सारा पानी मैंने निकाल दिया है और इसे मैश कर दिया है। और तो व्यूअर, यहाँ पे मैं बैंगन का मसाला बना रही हूँ और मैंने फ्राई पैन में ऑयल और प्याज को काट लिया है और ऑयल भी डाल लिया है। तो अब मैं प्याज को लाइट ब्राउन कर रही हूँ क्योंकि बैंगन का तड़का बनाना है। व्यूअर, यहाँ पे मेरे बैंगन उबल गए थे और बैंगन नरम भी हो चुके थे, तो मैंने बैंगन को चन्नी में डाल लिया था। इससे सारा पानी खुश्क हो चुका है और इसे मैंने मैश भी कर लिया है। तो यहाँ पे अब मैं बैंगन का मसाला बना रही हूँ। बैंगन का मसाला बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल डाला है 1 चम्मच और फिर मैंने प्याज को काट लिए हैं इसमें। तो व्यूअर, यहाँ पे हमारे प्याज जो है वो ब्राउन हो चुके हैं और इसमें मैंने टोमेटो पेस्ट ऐड कर लिया है 1 चम्मच। और व्यूअर, अब मैं इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ। टोमेटो पेस्ट आपने गीले चम्मच से नहीं उठाना है क्योंकि फिर टोमेटो पेस्ट ख़राब हो जाता है। और फिर मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर लिया है और 1 चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें बैंगन ऐड कर रही हूँ। तो व्यूअर, ये देखें बैंगन रेडी हो चुके हैं और ये रेड कलर के हो चुके हैं। और बस इसका फ्लेम मैं ऑफ कर लूँगी और इसे गार्निशिंग के लिए रेडी करते हैं। व्यूअर, यहाँ पे बैंगन का भरता जो है वो रेडी हो चुका है। साथ में मैंने सलाद वगैरह भी काट के रख दी हैं और बीच में मैंने धनिया दही डाल दिया है और उसके ऊपर धनिया का पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है, जो मैंने रमज़ान की तैयारियों में धनिया का पाउडर बनाया था ये वही पाउडर मैंने इस पर स्प्रिंकल कर लिया है। और यहाँ पे चटनी भी है क्योंकि बैंगन के भरते के साथ चटनी बहुत मज़े की लगती है। और अब मैंने इसे सर्व कर लिया है। तो मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।